Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video, we have understood about 2D shapes, square, rectangle, triangle, circle. Now, in this video, we will understand about lines. There are two types of lines: curved lines, straight lines. Let's start. Students, with the help of your pencil, draw a dot on your notebook. What is this? This is a dot. बच्चों, अभी आप अपने नोटबुक पे पेंसिल की हेल्प से डॉट ड्रॉ कीजिए. ये क्या है? डॉट. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. क्या बोलते हैं? पॉइंट. ये क्या है? पॉइंट. पॉइंट को हम नाम देंगे ए. पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. कभी भी पॉइंट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही की जाती है. स्मॉल लेटर में हम इसको नाम नहीं दे सकते हैं. हम पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं. ए, बी, सी, कोई भी हम नाम दे सकते हैं. पर कैपिटल लेटर्स में, कभी भी हम स्मॉल लेटर्स में पॉइंट को नाम नहीं दे सकते. स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन. ये क्या है? लाइन. वी कैन ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल और अ रूलर. हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ लाइन विद द एज ऑफ अ बुक. यानी हम बुक के किनारे से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. और वी कैन ड्रॉ लाइन विद द हेल्प ऑफ द एज ऑफ द कार्डबोर्ड. हम कार्डबोर्ड की एज किनारे के मदद से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस समझेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइंस आल्सो कॉल्ड स्लीपिंग लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं. स्लीपिंग लाइंस कैसे बनाते हैं हम? नेक्स्ट इज वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस आर आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग लाइंस. वर्टिकल लाइंस को हम स्टैंडिंग लाइंस भी कहते हैं. स्टैंडिंग लाइंस हम कैसे बनाते हैं? थर्ड इज स्लैंटिंग लाइंस. थर्ड कौन सी है? स्लैंटिंग लाइंस. स्लैंटिंग लाइंस आल्सो कॉल्ड स्लोपिंग लाइंस. स्लैंटिंग लाइंस को हम स्लोपिंग लाइंस भी कहते हैं. स्लोपिंग लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. तो हमने कितने टाइप्स देखे? स्ट्रेट लाइंस के 3 टाइप्स. कौन से 3 टाइप्स थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं. सेकंड कौन सा था? वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस को हम स्टैंडिंग लाइंस भी कहते हैं. थर्ड कौन सा था? स्लैंटिंग लाइंस. स्लैंटिंग लाइंस को हम स्लोपिंग लाइंस भी कहते हैं. होल्ड द स्ट्रिंग टाइटली विथ योर हैंड्स. अपने हाथों से स्ट्रिंग को टाइटली पकड़िए. व्हाट डिड यू गेट? क्या मिला आपको? यस, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमको क्या मिली? स्ट्रेट लाइन मिली. होल्ड द स्ट्रिंग लूज इन योर हैंड्स. अभी स्ट्रिंग को लूज कर दीजिए. व्हाट डिड यू गेट? क्या मिला आपको?
Yes, you get a curved line. हमको क्या मिली? Curved line मिली. Let's start with exercise 6.2. Question number 2. Write C for curved lines and S for straight lines. हमको curved lines के लिए C लिखना है और straight lines के लिए हमको S लिखना है. Now, students, look at this line. Which type of line is this? ये किस type की line है? ये यहाँ ऐसे curved हो रही है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? C. Next, look at this line. Which type of line is this? ये किस type की line है? Straight. So, we will write here S. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? S. Next, look at this line. Which type of line is this? ये किस type की line है? ये ऐसे curved हो रही है. क्या हो रही है? Curved. So, we will write here C. Next, look at this figure. Which type of figure is this? This is a rectangle. And here, lines of rectangles are straight. So, we will write here S. Next, look at this line. This is straight line. ये कौन सी line है? Straight line. So, we will write here S. Next, look at this line. Which type of line is this? ये कौन सी type की line है? ये यहाँ से ऐसे curved हो रही है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? C. Next, look at this line. Which type of line is this? ये कौन सी type की line है? This is a curved line. ये कौन सी line है? Curved line. So, we will write here C. Next, look at this line. Which type of line is this? This is a straight line. So, we will write here S. Next, look at this line. This is a curved line. So, we will write here C. Next, look at this line. Which type of line is this? ये कौन से type की line है? यहाँ से ऐसे ये curved हो रही है. So, we will write here C. Question 3. Count the number of horizontal, vertical, slanting and curved lines in the box below. अब हमें इस फिगर्स में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग और कर्व्ड लाइंस काउंट करनी है और इन बॉक्सेस में लिखनी है. सो फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो हम इस फिगर में पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? 1. सो वी विल राइट हियर 1. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1. नेक्स्ट इज वर्टिकल लाइंस. नेक्स्ट लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइंस है. तो हम इसमें वर्टिकल लाइंस काउंट करेंगे. सो 1, 2. सो वी विल राइट हियर 2. नेक्स्ट इज स्लैंटिंग लाइंस. तो हम इस फिगर में स्लैंटिंग लाइंस काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, we will write here 15. Next is curved lines. तो हम इसमें curved lines count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we will write here 7. So, next is house. Now, we will count lines in this figure. So, let's start. First is horizontal lines. So, we will count here horizontal lines. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we will write here 8. Next is vertical lines. So we will count here vertical lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we will write here 6. Next is slanting lines. So we will count here slanting lines. अब हम यहाँ slanting lines count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. So we will write here 5. Next is curved lines. So we will count here curved lines. 1, 2, 3, 4, 5. So we will write here 5.